ब्रेड पकौड़ा और सैंडविच तो आपने हजारों बार खाए होंगे, लेकिन इस तरीके का ब्रेड पकौड़ा आपने आज तक नहीं खाया होगा। स्वागत है आपका इंडियन फूड सतुसा में। तो देर किस बात की, चलिए झटपट बनाना शुरू करते हैं। यहाँ पर हमने एक कप बेसन को बोल में पहले से ही रख लिया है। अब इसमें हम एक कप बेसन और डालेंगे, यानी कि हमने 2 कप बेसन का इस्तेमाल किया है। इसमें डाल देंगे आधा चम्मच हल्दी पाउडर और साथ में डाल देंगे 1 छोटी चम्मच चिली फ्लेक्स या कुटी हुई लाल मिर्च, साथ में डाल देंगे आधा चम्मच जीरा और आधा चम्मच अजवाइन को हाथ से इस तरीके से क्रश करके डालेंगे। इससे पकौड़े में स्वाद काफ़ी अच्छा आता है। थोड़ा सा हींग डालेंगे और स्वाद के अनुसार इसमें सफ़ेद नमक डाल देंगे। अब हम सभी चीज़ों को सूखा अच्छी तरह से मिला देंगे इस तरीके से। अब इसमें हम पानी डालेंगे, तो 1 कप पानी हमने लिया है। इसमें से हम थोड़ा सा पानी डालेंगे, 2 से 3 चम्मच, और इस तरीके से सबसे पहले हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। तो स्वाद का ध्यान रखना है कि हमें बहुत ज़्यादा इकट्ठा पानी नहीं डालना है, बस थोड़ा थोड़ा पानी डालते जाएंगे और इसे हम अच्छी तरह से फेंटते जाएंगे। इस तरीके से फेंटना बहुत ज़रूरी है, तभी ये बैटर हल्का होगा। थोड़ा सा पानी और डाल देते हैं और इस तरीके से हम 1 से 2 मिनट तक लगातार चलाते हुए फेंट लेंगे। अब फेंटने के बाद हम क्या करेंगे ना, इसे किनारे रख देंगे फूलने के लिए। तब तक हम गैस चला करके मिर्च तैयार कर लेते हैं। तो यहाँ हमने गैस चला कर कड़ाही गर्म कर लिया। अब इसमें हम 2 चम्मच सरसों तेल डाल देंगे और साथ में थोड़ा सा पंचफोरन डालेंगे। आप इसमें केवल जीरा और सौंफ भी डाल सकते हैं। और यहाँ पर हमने हरी मिर्च को 2 टुकड़ों में इस तरीके से काट लिया है। अगर आप इस तरीके से 2 टुकड़ों में नहीं काट रहे ना, तो मिर्च को बीच से हल्का सा चीरा लगा दीजिएगा ताकि ये फटने ना पाए, और मिर्च को हल्का सा भून लेंगे। भूनने के बाद इसमें हम डाल देंगे 1 चम्मच बेसन, और बेसन को मिर्च के साथ हम तब तक भूनेंगे जब तक ये अच्छी तरह से झागनुमा नहीं हो जाता, यानी कि झाग झाग नहीं होता, भून नहीं जाता। अब इसमें थोड़ा सा हल्दी पाउडर, थोड़ा सा धनिया पाउडर और थोड़ा सा गरम मसाला डालेंगे। मसाला का प्रयोग हम थोड़ा थोड़ा ही करेंगे और स्वाद के अनुसार सफ़ेद नमक डाल देंगे। सभी चीज़ों को अच्छी तरह से मिला देंगे। थोड़ी सी इसमें हम कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर डाल देते हैं, और जैसे ही बेसन भून जाएगा ना, इस तरीके से वो भुज जाएगा, यानी कि नीचे चला जाएगा। अब इसमें हम डाल देंगे 1 नींबू का रस खट्टापन के लिए, ताकि मिर्च में थोड़ा सा चटपटा सा बन जाए। आप इसमें आमचूर पाउडर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। थोड़ा सा इस तरीके से हम भून लेंगे और ये हमारा मिर्च का चटपटा सा अचार बन करके तैयार हो गया, या मिर्ची फ्राई बन करके तैयार हो गया। इसका इस्तेमाल हम आगे करेंगे। कम समय में काफ़ी स्वादिष्ट सी रेसिपी बन करके तैयार होती है। अब इसी कढ़ाई में हमने 1 से 1.5 चम्मच सरसों तेल डाल दिया है। अब इसमें हम आधा चम्मच जीरा डाल देंगे और 1 चम्मच कूटा हुआ अदरक लहसुन और हरी मिर्च डालेंगे, और इस तरीके से हल्का सा भून लेंगे। बहुत ज़्यादा नहीं भूनना है, हल्का सा भूनेंगे। अब इसमें हम डाल देंगे आधी चम्मच मंगरेल और 1 चम्मच इसमें हम डाल देंगे धनिया पाउडर, थोड़ा सा हल्दी पाउडर डालेंगे और थोड़ा सा गरम मसाला डालेंगे। मसाले हमने आधी छोटी चम्मच ही हर मसाले लिया हुआ है, हर तरह का। अब इसमें हम डाल देंगे आधी चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, और मसालों को जब भून लेंगे ना, तो हम गैस को बंद कर देंगे। अब इसमें हमने 4 से 5 उबले हुए और मैश किए हुए आलू को इसमें डाल दिया। हमने आलू को पहले ही उबाल करके पूरी तरह से ठंडा हो जाने के बाद मैश कर लिया था, इसमें गुठलियाँ नहीं होनी चाहिए। अब हम इसमें डाल देंगे स्वाद के अनुसार सफ़ेद नमक और सभी मसालों को इस तरीके से अच्छी तरह से मिला लेंगे आलू के साथ। तो देख लीजिए इसमें गुठलियाँ होंगी ना, तो अच्छी तरह से आप फोड़ लीजिएगा। अब इसमें हम डाल देंगे 1 नींबू का रस, आप ना इसमें थोड़ा सा आमचूर पाउडर भी डाल सकते हैं, लेकिन इन मसालों को हमें बहुत ज़्यादा नहीं भूनना है। जब आप आलू को इस तरीके से हाथ में उठाएंगे ना, तो ये थोड़ा सा नरम होना चाहिए। तो ध्यान रहे, मसाले भूनने के बाद गैस बंद कर देना, उसके बाद हमें आलू को भूनना है। और यहाँ पर हमने 6 ब्रेड ले लिया हुआ है। अब हम ब्रेड के किनारों को काट करके हटा देंगे इस तरीके से। चारों तरफ से ब्रेड के किनारों को काट करके हटा देना है, क्योंकि ये किनारे पकते नहीं हैं और इसके अंदर बेसन नहीं जा पाता है। तो इस तरीके से हमने सारे ब्रेड के किनारों को काट दिया। इस बात का हमें ध्यान रखना है, किनारों को काट करके जरूर निकाल देना है। अब बेलन की सहायता से इसे हम थोड़ा सा चपटा कर लेंगे, यानी कि इसे बेल लेंगे इस तरीके से। इससे क्या होगा ना कि ब्रेड थोड़ा सा चपटा हो जाएगा, और जब हम बेसन में डालेंगे तो अच्छी तरह से बेसन को सोख लेगा। कभी कभी हम ब्रेड पकौड़ा वगैरह बनाते हैं तो ब्रेड अच्छी तरह से बेसन को नहीं सोख पाता है, और इसी तरीके से हम सारे ब्रेड को इस तरीके से बेल करके चपटा कर लेंगे। और यहाँ पर हमने सारे ब्रेड को इस तरीके से बेल करके चपटा कर लिया है। अब इसके ऊपर हम लगा देंगे सेजवान चटनी। आप चाहे तो टोमेटो केचप लगा सकते हैं, या फिर ग्रीन चिली सॉस लगा सकते हैं, या फिर तीखी हरी चटनी भी इसमें लगा सकते हैं। जो घर में चटनी बनाई जाती है ना, उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं।
सारे ब्रेड पर हमने चटनी को लगा दिया। अब हम आलू को चेक कर लेते हैं। आलू पूरी तरह से ठंडा होना चाहिए। अगर गर्म आलू रहेगा ब्रेड के ऊपर आप रखेंगे ना, तो ब्रेड काफी नरम हो जाएगा। आलू ठंडा हो गया, अब हम एक टिक्की बनाएंगे, इसको चपटा करेंगे इस तरीके से। आप चाहे तो गोल चपटा कर सकते हैं, या फिर इस तरीके से चौकोर नुमा भी बना सकते हैं ब्रेड के बराबर, और इस तरीके से थोड़ा सा दबा करके ब्रेड पर रखेंगे इस तरीके से। अब हम क्या करेंगे ना, एक ब्रेड को उठाएंगे, दूसरे ब्रेड पर इस तरीके से रखेंगे, और चाकू से इसे हम चार टुकड़ों में काट लेंगे। एकदम नई और अनोखी रेसिपी है, आप वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा, कि मन आपको काफी पसंद आएगा। और इस तरीके से हम चार टुकड़ों में इसे काट लेंगे। सभी ब्रेड को हमें इस तरीके से काट लेना है। अब हम बेसन को एक बार अच्छी तरह से ऑफ रेट लेते हैं। इसे लगभग रखे हुए 10 मिनट हो गया, और आप देखिए चम्मच के ऊपर एक कोटिंग सा बन रहा है, यानी कि चम्मच पूरी तरह से कोट हो जा रहा है बेसन से, इतना ही गाढ़ा होना चाहिए। अब इसमें एक बारीक कटा हुआ प्याज डाल देंगे। अगर आप प्याज लहसुन नहीं खाते ना, इसे बिना प्याज लहसुन का भी आप बना सकते हैं। और एक चुटकी इसमें हम डाल देंगे खाने वाला मीठा सोडा। अच्छी तरह से एक से दो बार फेंट लेंगे, बहुत ज्यादा नहीं फेंटना है। देखिए हमें ब्रेड को कैसे डालना है, ब्रेड के बीचों बीच पकड़ेंगे सेंटर को, और हल्का सा इसे हम घुमाते हुए अच्छी तरह से डिप कर लेंगे। यहाँ पर हमने गैस चलाकर कढ़ाई में रिफाइंड ऑयल को तेज आंच पर गर्म कर लिया। अब हम आंच धीमी कर देंगे और ये ब्रेड के टुकड़ों को हम डालते जाएंगे। तो जहां हमने उंगली रखा हुआ है ना, वहां का बैटर हट जाता है, यानी कि बेसन हट जाता है, तो उसमें हम थोड़ा सा बैटर डाल करके इसे अच्छी तरह से कवर कर देंगे इस तरीके से। कभी कभी क्या होता है ना, कि जहाँ हम हाथ रखे रहते हैं ना, वहाँ का बेसन हट जाता है, वहाँ खाली हो जाता है। थोड़ा सा बेसन डाल दीजिएगा, और जैसे एक तरफ से हो जाएगा, इसे हम दूसरी तरफ पलट देंगे इस तरीके से। कम समय में काफी आसान तरीके से इस चटपटी रेसिपी को एक बार जरूर ट्राई करके देखिएगा। आप ब्रेड पकौड़ा और सैंडविच तो बहुत बार खाए होंगे, लेकिन इस तरीके का नहीं खाए होंगे। दोनों तरफ से इसे हम उलटते पलटते हुए गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई कर लेना है। बहुत ज्यादा लाल नहीं करेंगे, और इसे हम बाहर निकाल देंगे। ये देखिए हमारा ब्रेड पकौड़ा बनकर के तैयार हो गया है। आप चाहे तो ब्रेड को दो टुकड़ों में भी काट सकते हैं, या फिर इसे आप तिरछा भी काट करके इस तरीके से बना सकते हैं। अब बचे हुए ब्रेड को भी हम इसी तरीके से फ्राई कर लेंगे। तो जितना तेल में ब्रेड आएगा उतना हम डालेंगे। बहुत ज्यादा कढ़ाई में भर करके नहीं डालेंगे, नहीं तो पलटते समय बहुत दिक्कत होता है। कभी कभी क्या होता है ना, एक ब्रेड दूसरे पर चिपक जाता है। तो इस तरीके से हमें सारे ब्रेड को दोनों तरफ से अच्छी तरह से फ्राई कर लेना है। और ये हमारे सारे ब्रेड पकौड़े बन करके तैयार हो गए हैं। ये देखिए जितने ये स्वादिष्ट देखने में लग रहे हैं ना, यकीन मानिए उससे स्वादिष्ट ये खाने में लगते हैं। इसमें खाना कैसे है, इस तरीके से आप ब्रेड को दो टुकड़ों में काट लीजिए। ये देखिए नीचे से देखने में कितने अच्छे लग रहे हैं, यानी कि अंदर से देखने में कितने अच्छे लग रहे हैं। आप शेजवान चटनी के बजाय इसमें ग्रीन चिली सॉस लगा सकते हैं, या फिर हरी चटनी भी लगा सकते हैं, जो धनिया और पुदीने की चटनी होती है, खट्टी मीठी या फिर तीखी चटनी, जो भी आपको पसंद हो। और देखिए एक ब्रेड के ऊपर हम मिर्ची रखेंगे, इसके बाद हम दूसरा ब्रेड रख देंगे इस तरीके से, और इसे चपटा करके जैसे हम बड़ा पाव खाते हैं ना, वैसे खाएंगे, काफी स्वादिष्ट सा लगता है। नहीं तो इस तरीके से आप काट करके बीच में ये मिर्च रख करके आप खाइए, काफी ये भी स्वादिष्ट लगता है। अगर आपको हमारी रेसिपी थोड़ी सी भी पसंद आती हो ना, तो प्लीज लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नई रेसिपी के साथ। टाटा बाय बाय, टेक।